संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वैश्विक कार्यक्रम 2030 के अनुसार पंचायती राज विभाग के माध्यम से निर्धारित 9 लक्ष्यों में से महाराष्ट्र के सांगली जिले में वालवा तालुका के सुरुल ग्राम पंचायत ने सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव की थीम के तहत काम किया है। सुरुल गांव की जनसंख्या 2888 है और गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन और मुर्गी पालन है। सुरुल गांव एक झगड़ा मुक्ति गांव है और महात्मा गांधी झगड़ा मुक्ति समिति इस उद्देश्य के लिए काम करती है। हमारे गांव महात्मा गांधी तंटा मुक्त गांव घोषित है। वो सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए हमारी ग्राम पंचायत हमेशा अग्रसर रहती है। सब लोगों का विकास करने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव में ही विधिक सेवा शिविर आयोजित कर महिलाओं एवं पिछड़े वर्ग को सामाजिक सुरक्षा हेतु सभी कानूनों की जानकारी दी जाती है। ग्राम पंचायत के माध्यम से 4 से अधिक ग्राम सभाएं आयोजित की जाती है, जिसके पहले महिला ग्राम सभा, सभा वार्ड सभा और वंचित समूह की बैठक आयोजित करके ग्राम पंचायत के कुल बजट में से 80% प्रावधान शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। दुरुल में सभी जातियों के लिए एक शमशान घाट है। गाँव में आंगनबाड़ियों में 0 से 6 आयुर्वर्ग और गर्भवती महिलाओं का ICDS के माध्यम से पंजीकरण किया गया है और उन्हें पोषण टीकाकरण प्रदान किए गए हैं। सभी पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का लाभ दिया जाता है। जिला स्कूल सुरुल और मानकेश्वर विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना कार्यान्वित है तथा विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें हेल्थ कार्ड वितरित किया जाता है। विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। गाँव में एक डाकघर है और महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए वित्तीय लेन देन करना सुविधाजनक है। गांव की सभी पात्र लड़कियों के सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोले गए हैं और उनका भविष्य सुरक्षित किया गया है। ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव में महिलाओं के उत्थान के लिए 54 स्वयं सहायता समूह की स्थापना की गई है और संजीवनी ग्राम संघ का गठन किया गया है और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इससे सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और महिलाएं सम्मान प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनी है। गांव के सभी पात्र परिवारों के पास अंत्योदय राशन कार्ड एवं खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड है तथा सस्ता अनाज विभाग के माध्यम से खाद्यान्न का नियमित वितरण किया जाता है। गांव में एक प्राथमिक उपकेंद्र है। सभी ग्रामीणों को गांव में ही उपचार और टीकाकरण प्रदान किया जाता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाती है। निराश्रित महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्गों, एकल अभिभावक छात्रों को पेंशन दी गई। मैं दीपाली विकास पाटिल, मला संजय गांधी निराधार योजनेची पेंशन भेटते महिन्याला 1500 रुपये। गांव में कुल 30 विकलांग व्यक्ति है और उन सभी के पास विकलांगता प्रमाण पत्र है और उन सभी को विकलांगता पेंशन मिलती है। किसान सम्मान योजना के अंतर्गत किसानों को किसान सम्मान योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। ग्राम घर कुल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, मोदी आवास योजना लाभ प्रदान किया गया है। सौर वाटर हीटर, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं प्रदान की गई है। सामाजिक आयोजन के लिए एक उपयुक्त सामुदायिक मंदिर है। छोटे भूमिहीनों और बेरोजगारों के लिए व्यवसाय असर प्रदान किया जाते हैं। इससे उनका आर्थिक एवं सामाजिक स्तर ऊंचा होता है। गांव में सामाजिक सुरक्षा बनाने रखने के लिए CCTV कैमरे लगवाए हैं। ये सुरुल गांव खुशी खुशी सामाजिक सद्भाव बना के एक दूसरों के सुख दुख में शामिल होकर अपनी जिंदगी आराम से गुजरते हैं। धन्यवाद।